तो आज के दिन का पहला पेज ऊपर से फैसल नीचे से कोनी करा के अपोजिट टीम के मेंबर जगह ले रहे, भागदा फिर शुरू करा, सीधा गद्दा मारा फैसल ने बहुत ताकत से और बढ़िया पेज ये काट दिया। एक पेज हो गया इस पतंग से और सल्लू लड़ा रहे थे मूनलाइट की तरफ से। तो फ्रेंड्स एक बार विकास और मूनलाइट की जो पतंग है वो फिर से लड़ना शुरू हो गई है और 21वां दिन है। और बीच में आप लोग बहुत कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई मूनलाइट और विकास क्लब में कौन जीता, तो जीता कोई नहीं फ्रेंड्स, फैसल भाई के फादर की डेथ हो गई थी पापा के इनके, तो जिस वजह से गेम को 10-15 दिन बीच में बंद करना पड़ा। तो दोबारा से आज लड़ रहा है और दोबारा से जो लड़ना शुरू हुआ आज उसका पहला दिन है फिर से, और देखते हैं अब क्या स्कोर रहता है शाम तक। धूप काफ़ी तेज़ है और पुरवाई की तरफ चल रही है। और ये दूसरी टीम है, ये देख सकते हैं सभी लोग हैं इसके ऊपर, ये जिम्मी भाई और शायद अभी राहुल भाई, जैसे हम पहुंचे थे राहुल भाई शायद काट रहे थे, जो कि शागिर्द हैं इदरीस उस्ताद के, शायद उन्होंने 6 काट दिए थे। तो जैसे ही कदम रखा है उसी वक्त फैसल भाई ने एक पेज काटा है और स्कोर आगे बढ़ने से रोका है मूनलाइट का। और ये सारे प्लेयर्स हैं, जिम्मी भाई, ये राहुल भाई हैं रेड और ब्लू टी शर्ट में, और ममती के जैसे बाकी लोग दिख नहीं पा रहे हैं, शल्लू भाई हैं और ये मानिक चंद खड़े हुए हैं, आशीष भाई ये कैप पहने पतंग को लंबे कर रहे हैं। अब देखते हैं जो भी पेज शाम तक होंगे, धूप बहुत तेज़ है तो कैमरा अगर ब्लर नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पेज कवर करके आपको दिखाएंगे मूनलाइट और विकास के बीच के। तो ऊपर से फैसल भाई मुड्ढा रखते हुए और नीचे से मूनलाइट के आशीष जगह ले रहे हैं। फैसल भाई का ये दूसरा पेज है पतंग से, थोड़ी सी अपनी पतंग की रेंज को कम करके मुड्ढा रख रहे हैं और आशीष भाई कोनी कराते जा रहे हैं। और हवा जो है वो विकास क्लब की ओर काफ़ी ज़्यादा दबी है तो नीचे से जगह लेने में बहुत आसानी है, ज़्यादा से ज़्यादा कोनी करा रहे हैं। थोड़ी सी पतंग बढ़ है, ऊपर से फैसल अपनी पतंग को चमकाते हुए 300-325 मीटर की रेंज में पतंगें लड़ रही हैं। तेज़ हाथों से आशीष ने अपनी पतंग को अंदर के मुड्ढे पर खींचना शुरू कर दिया, उसी पर खींचते जा रहे हैं, पत्ता खींचने की कोशिश। फैसल अपनी पतंग को बचाने के लिए बहुत ताकत से खींच रहे हैं, बहुत पीछे पड़ रहे हैं आशीष, लेकिन काफ़ी तेज़ खींचा लेकिन कट गए आशीष। बढ़िया पेज फैसल भाई ने काट दिया, दो पेज पूरे हो गए। तो ये देखिए दद्दा मार पतंग तैयार कर रहे हैं लड़ाने के लिए, और ये देखिए दद्दा की 6 वाली बरेली लॉयंस। तो अभी जब बांधेंगे बरेली लॉयंस तब देखेंगे बढ़िया डोर। दद्दा कुछ कहना चाहते हैं 6 वाली क्यों बनाई? मैं बरेली लॉयंस इजाज़ भाई ने मेरे 10 बंडल बना के भेजी, सब 6-6। अच्छा 6-6 पे, मतलब अलग अलग कलर है क्या? सब अलग अलग कलर है, पूरी 6 की 6 में एक भी शॉर्ट जो होता है वो नहीं है। अच्छा शॉर्ट नहीं? अच्छा ये खासियत है, देखिए अलग स्पेशल बनवाई है, तो स्पेशल का फर्क ये की शॉर्ट नहीं है और सारे 6 के हैं ये जो भी है बरेली लॉयंस। बढ़िया डोर होती है, ज़्यादातर टूर्नामेंट में ही आपको देखने को मिलेगी। पतंग तैयार कर रहे हैं हमारे तारू भाई भी और भी मेंबर्स आ गए हैं। फैसल भाई अपने तीसरे पेज के लिए चलते हैं पेज पे। तो तीसरे पेज के लिए ऊपर से फैसल मुड्ढा रखते हुए कोनी करा के अपोजिट टीम के मेंबर जगह ले रहे हैं और ममती की वजह से पता नहीं चल पा रहा कौन लड़ा रहा है। थोड़ी सी तगड़ी पतंग उड़ा के आए हैं लग रहा आपकी बार, लेकिन ममती की वजह से पता नहीं चल रहा कौन मेंबर लड़ा रहा है। ऊपर से फैसल मुड्ढा रखते हुए धीरे धीरे कोनी करा के जगह लेते हुए, भारी पतंग से ज़्यादा जगह नहीं ले रहे हैं, फंसाने के चक्कर में है लग रहा है, इस वजह से ज़्यादा अंदर की तरफ जगह नहीं ले रहा है। देखना ये पेज पे क्या करेंगे, सीधे सीधे अपनी पतंग को धीरे धीरे उतारते हुए गर्दन की तरफ ले आ रहे हैं फैसल भाई, तेज़ हाथों से अंदर की तरफ खींचते हुए अपोजिट टीम के मेंबर, और रुक नहीं रहे, अंदर की तरफ खींचते जा रहे हैं। बब्बल भाई की पतंग बीच में आ रही, बब्बल भाई अपनी पतंग को हटाइए और तेज़ हाथों से रुक नहीं रहे, पत्ता खींचने की कोशिश, अंदर के मुड्ढे पर पतंग गिर रही है, अंदर की पतंग है लेकिन बब्बल भाई की पतंग थी इसलिए रुक गए अपोजिट टीम के मेंबर, नहीं खींचा पूरा और जाने दे रहे हैं। फैसल भाई अपनी पतंग वाई रोका, दोबारा से मुड्ढा बनाया अपोजिट टीम के मेंबर ने, उसी जगह से पतंग खींचने की कोशिश, अंदर की तरफ पतंग खींचती जा रही, फैसल भाई ताकत से लगातार खींचते चले आ रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं रहे वहाँ से अपोजिट टीम के मेंबर। अब बाहर की तरफ पतंग को निकाला है, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे इस पेज को। तो कोनी करा के दोबारा से थोड़ी बढ़ करके डोर निकालने के बाद नीचे से माणिक चंद जगह लेते हुए ऊपर से फैसल अपने तीसरे पेज के लिए मुड्ढा बना रहे हैं, बीचों बीच में जाके मुड्ढा रख रहे हैं। थोड़ा टावर है इस वजह से दिक्कत हो रही है विकास क्लब की तरफ, वापस से अंदर की तरफ खींचते जा रहे हैं, पतंग भी जो माणिक चंद की है अंदर की है, खींचते हैं अंदर की तरफ, घूम के आ रही है, ये देखिए तुरंत पतंग अंदर की तरफ राउंड हो रही है, अगर तेज़ हाथों से खींचा जाएगा तो राउंड हो जाएगी बिल्कुल पतंग, और उसी को धीरे धीरे खींच रहे हैं अंदर की तरफ घूम रही है, फिर से पत्ता खींचने की कोशिश है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऊंचे पे कर लिया फैसल भाई ने, और अंदर की तरफ ताकत से खींचे चले आ रहे हैं मानिक जान, डबल होती हुई पतंग फैसल भाई की भी। और ये देखिए पेज आया कि नहीं अभी पता नहीं चल पा रहा है कुछ, पेज आया नहीं लेकिन मानिक जान एक ही तरह का पेज लड़ा रहे हैं बार बार, और दोबारा से डोल निकाली जा रही है, तो देखते हैं क्या होगा। खड़े हैं मानिक जान, डोल सुलझा रहे हैं, बार बार खींचना शुरू कर देते हैं, पतंग हल्की सी अंदर की है, ये शहजान भाई निकले और पेज लड़ाएंगे फिर से मानिक जान, तो हम लोग देखेंगे, लगता है खींचते खींचते टून फंस गया है, उसको सुलझा रहे हैं।
दोबारा से डोर निकाल के मानिक चंद काफी ज्यादा आपकी बढ़ दिया है और फैसल भाई ने आपकी दूर से गद्दा बना लिया, उसी को ताकत से मारते जा रहे हैं। निकलती हुई पतंग फैसल भाई की बढ़िया पे की बार काट दिया और ताकत से खींचा था, लेकिन पतंग अंदर की हल्की घूमी लेकिन कट गए आपकी बार मानिक। देखिए ये बंडल रखे हैं किस भाई के बैग में ये नहीं पता, ये देखिए नाम पढ़ सकते हैं आप लोग, कहते हैं मटेरियल दिखाइए मटेरियल दिखाइए, मटेरियल नहीं दिखाना चाहिए भाई। मुबारक ये देखिए ये पतंगे लड़ रही है भाई, मुबारक हो यार। हां दावत कब दोगे, नया बैग है ना, यहां दिखा के महंगा हो जाता है बाद में, लेकिन ना दिखाए तो आप लोग कहते हैं कि आपने मटेरियल नहीं दिखाया। और बंडल है स्पेशल डोरे बनवाई हुई, बब्बल भाई का बैग है ये भी देखिए, बरेली लॉयंस रखी है, ये भी बरेली लॉयंस है, इसका रैपर खुला है। ज्यादातर विकास क्लब जो डोर लड़ा रहा है बरेली लॉयंस है, एक देखिए बिग बॉस रखी हुई है अंदर, बिग बॉस कोई नहीं है रैपर बता। सोनू आगा भाई ये कौन सी डोर है दिखा दीजिए जरा, ये देखिए एक बंडल अंदर था, नहीं उधर था, ये तो बरेली लॉयंस रखी है सब, ये नहीं एक अंदर रखी है, एक अंदर रखी है, वो जाहिद वाहिद है। अच्छा जाहिद वाहिद है रैपर, अच्छा शाहिद वाहिद, शाहिद वाहिद और ये भी शाहिद वाहिद। चलिए ठीक फैसल भाई ऊपर से अपने चौथे पेज के लिए मुद्दा रखने, नीचे से कोनी करा के फिर से अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया है अपोजिट टीम के मेंबर ने, और बार बार सेम तरह का पेज लड़ा रही है अपोजिट टीम। और अब की बार शायद शहजान भाई हैं पेज पे, गड़ौता मुद्दा फैसल भाई ने बनाया, उसी को ताकत से मारते जा रहे हैं, भाग एकदम निकलती हुई डबल होती है पतंग, रोका फैसल भाई ने वापस से अंदर की तरफ खींचा है, बढ़िया पेज फैसल भाई ने काट दिया है, चार पेज पूरे हो गए हैं फैसल भाई के। फैसल अपने पांचवें पेज के लिए जगह ले रहे हैं ऊपर से, और कोनी करा के अब की बार मून लेट के शहजान भाई ले रहे हैं जगह रोकने के लिए फैसल भाई को, कोनी करा के जगह लेते जा रहे हैं, अब की बार देखना है क्या होगा। बीचों बीच में फैसल भाई अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हैं, काफ़ी बढ़ दे के शहजान भाई कोनी करा रहे हैं, हवा थोड़ी सी सीधी हो गई है लेकिन थोड़ा सा बढ़ दे के लड़ा रहे हैं शहजान अपनी पतंग को अंदर की तरफ खींचते हुए, फैसल भाई अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर हवा की सीध से चलाते हुए थोड़ा सा ऊंचा करके मुझा दिया शहजान भाई ने, फैसल भाई ने अपनी पतंग को थोड़ा सा और उठा लिया वापस से, शहजान भाई ने पट पे खींचा अपनी पतंग को, हवा काफ़ी तेज चल रही है आज पुरवाई की तरफ, बहुत ही सोच समझ के पे लड़ा रहे, दौड़ाया शहजान भाई ने पत्ता खींचने की कोशिश लेकिन वापस से पट कर लिया, पतंग को चला रहे हैं दौड़ोता मुद्दा काफ़ी दूर से बनाया फैसल भाई ने, रोका वापस चला रहे हैं पट पे करा अपनी पतंग को, ताकत से खींचने का गड़ौता मुद्दा बारा फैसल ने, बहुत बढ़िया पेज काट दिया है और इसी के साथ पांच पेज हो गए हैं फैसल भाई के। और फ्रेंड्स अभी बीच में जोहान भाई आए थे, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बरेली लॉयंस का एक और ब्लॉक उतरा है ड्रैगन, और जिसके बारे में मैंने बताया था कि शायद रैपर बदल के ही प्राइस बढ़ाने के लिए नई नई स्कीमें आती हैं, लेकिन देखिए मैंने अभी वो रील देखी नहीं, जल्दी वो रील आएगी तो वो 10,000 वाला मोबाइल की तरह काम करती है या आईफोन की तरह 2,00,000 वाला मोबाइल है। जैसे ही इसका जो टॉप ब्लॉक आ गया है नया ड्रैगन, उसको लड़ा के देखेंगे, क्योंकि कौन कारीगर क्या मटेरियल क्या जड़ी बूटी कौन सा केमिकल डाल रहा है नहीं पता, तो उसका रिव्यू भी करेंगे, महंगी है तो क्यों महंगी है। तो ये अभी बरेली लॉयंस है जो कि विकास क्लब ज़्यादातर यही डोर आज लड़ा रहा है अद्धी में मूनलाइट के खिलाफ, और ये हमारे फैसल भाई अभी इन्होंने जो छः पेज काटे थे तो हमने पूछा कौन सी डोर थी, तो ये नचा रहे किसकी डोर है, रैपर नहीं है फैसल भाई, बशीर बेग, बशीर बेग हमारे दोस्त, तो देखिए बहुत अच्छी डोर भेजी थी इन्होंने बना के, ये डोर है बढ़िया डोर है, मैं भेजी थी थोड़ा सा धूप में दिखाते हैं आपको, खुले वाल की थोड़ी सी डोर लग रही है ये, टूर्नामेंट में भेजी थी ये, देखिए बढ़िया डोर है, टूर्नामेंट में इसको लाए थे लेकिन अभी बीच में आधी है, बीच बीच में बांध बांध के लड़ा, नदीम भाई ने मेरे लिए खास करके भेजी थी, नदीम भाई अच्छी डोर है, बढ़िया आदमी है नदीम भाई भी, और नदीम भाई का अभी कोई ब्लॉग नहीं आया इससे ऊपर का, अभी यही ब्लॉग चल रहा है, हो सकता है कि जल्दी, क्योंकि सारे हसीन लल्लन भाई ने भी अपना बड़ा ब्लॉग उतार दिया है और इजाज़ बेग ने भी अपना बड़ा बेग उतार दिया है, उनका ड्रैगन आ गया है और उसके वो शायद 3,300 रुपये की मार्केट में है, और अब की बार ये बशीर बेग का नाम है, अब देखिए बशीर भाई कब अपना बड़ा ब्लॉग उतार, हमेशा यही रखे, हमेशा हम कहना चाहते हैं अच्छा यही रखे, तो फैसल भाई का कहना है यही ब्लॉग रखे, महंगाई ना करे, लेकिन बाकी देखिए जिसका जैसा बजट होता है वो अच्छी से अच्छी लील लड़ाता है, जैसे हमारे दद्दा का बजट बहुत ज़्यादा है, देखिए गले में सोने की चेन भी पहने हैं, बहुत ही जल्दी छठा पेज मिल गया है मूनलाइट की तरफ से, फैसल भाई ऊपर से मुठ्ठा रखते हुए टावर के पीछे छुपा छुपा के पतंग को लेते हुए आ रहे हैं कोनी कराते हुए मूनलाइट के मेंबर, अब्दुल्ला लड़ा रहे हैं मूनलाइट की तरफ से, देखिए बहुत तेज़ी से नीचे नीचे टावर के छुपते छुपाते हुए निकालते हुए पतंग को अपनी ला रहे हैं, और रेंज भी अब की बार बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, इससे पहले जितने भी पेज काटे हैं फैसल भाई ने काफ़ी बड़ पतंग थी सबकी, थोड़ा सा गर्दन की तरफ बढ़ते हुए फैसल भाई पतंग को चमकाते हुए कोनी करा के जगह लेते चले आ रहे हैं, लगातार अब्दुल्ला रुक नहीं रहे हैं बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा कोनी करा ली है दोनों की पतंगे बराबर, सीधा गद्दा फैसल भाई ने बहुत ताकत से बना लिया, उसी को मारते जा रहे हैं और बाहर की तरफ झटक रहे हैं तेज तेज, बढ़िया पेज काट दिया, और देखिए पतंग अभी नीचे है, ये देखिए पतंग नीचे है, ये पतंग है और ये पतंग निकल के आ गई फैसल की, बढ़िया पेज काट दिया, छः पेज हो गए हैं फैसल भाई के इस पतंग से, सातवां पेज भी मिल गया है और मूनलाइट के राहुल लड़ा रहे हैं जो कि शागिर्द हैं इदरीस उस्ताद के, तो
तो जगह अभी नहीं ले रहे हैं ज़्यादा, ऊपर से फैसल भाई जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं मुड्डा रखने के लिए। थोड़ा सा धीरे धीरे अब की बार राहुल जगह ले रहे हैं। धूप बहुत तेज़ है फ्रेंड्स पुरवाई की तरफ, लेकिन हवा भी उसी के साथ अच्छी चल रही है आज। कोनी करा के तेज़ हाथों से राहुल जगह लेते हुए थोड़ा सा गर्दन की तरफ फैसल अपनी पतंग का मुड्डा रखा है। ज़्यादा अंदर अब की बार जगह लेके नहीं आ रहे राहुल, देख सकते हैं थोड़ा सा मुड्डा रखते हैं अंदर की तरफ, फिर बाहर निकालते हैं, फिर वापस से अंदर की तरफ तेज़ हाथों से जगह ले रहे हैं। फैसल भाई ने पतंग हटा लिया, थोड़ा डाउट हो रहा है कि पतंग कुछ ख़राब हो सकती है, तो पतंग खींचने के लिए कह दिया गया पेज फेरने के बाद। अब देखते हैं पतंग सीधी है कि राउंड है, तो पतंग भी देख लेते हैं एक बार। नीचे करके पतंग खींचने के लिए कहा गया है, पतंग पर थोड़ा डाउट है क्योंकि सातवां पेज है, पतंग राउंड होगी तो पेज कट जाएगा। वो ये देखिए पतंग है नीचे करी जा रही है, उसको खींचा जाएगा तो देखा जाएगा किधर गया। ये पतंग ताका से खींची है, पतंग हल्की देखिए पूरी राउंड है, तो सबने कह दिया राउंड पतंग है। अंदर की तरफ बहुत तेज पतंग आ रही है, आप देखिए दूसरी पतंग लड़ाई जाएगी। तो ऊपर से फैसल भाई मुड्डा रखते हुए और अब की बार वाली पतंग हट के जिम्मी भाई आ गए हैं, और फैसल भाई ऊपर से मुड्डा रखते हुए सातवें पेज के लिए अपने धीरे धीरे पतंग उतारते हुए टावर के पास। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है पैर लड़ाने में, कोनी करा के जगह ले रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर। ऊपर से फैसल भाई अंदर की तरफ बीच में ले जाके मुड्ढा रख रहे हैं, सारे पेज ऊपर से काटे हैं गद्दा मारते हुए तेज़ हाथों से। जिम्मी भाई अंदर की तरफ जगह ले रहे हैं, वापस से बाहर की तरफ खींचा, ज़्यादा अंदर की तरफ जगह लेके नहीं आ रहे। थोड़ा गर्दन की तरफ आते हुए फैसल भाई अपनी पतंग को लेके सातवां पेज मूनलाइट वर्सेस विकास, जो कि 10-15 दिन के बाद दोबारा लड़ाई जा रही। अंदर की तरफ फैसल भाई ने अपनी पतंग उतारा, पतंग को चढ़ाया लेकिन गद्दा नहीं मारा, वापस उठा ली अपनी पतंग को। जिम्मी भाई भी अपनी पतंग को रोके हवा की सीज से, ऊपर से गद्दा मान लिए, थोड़ा सा टेढ़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं फैसल भाई, लेकिन जिम्मी भाई अपनी पतंग को हवा की सीज से ही लगाए, बिल्कुल लेफ्ट राइट कहीं नहीं ले जा रहे। धीरे धीरे रेंज जो है कम होती जा रही है, फैसल भाई ने अपनी पतंग को काफ़ी ऊंचा करके तान लिया है, रेंज काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। थोड़ा सा टावर को फंदा के पतंग को इधर लेके आए हैं और कोनी करा के जगह लेते चले जा रहे हैं जिम्मी भाई। तेज हाथों से अंदर की तरफ जिम्मी भाई ने पतंग को दिखाया, फैसल भाई ने फिर से अंदर तक दिखा, रोका, रोके करा के गद्दा बना लिया, उसी को ताकत से मारते जा रहे। जिम्मी भाई की पतंग खड़ी खींचती जा रही है, बढ़िया पेज अब की बार ये जिम्मी भाई ने फैसल भाई को काट दिया और साथ होने से रोक लिए फैसल भाई के। तो सोनू आगा नीचे से मुड्ढा लेते हुए पहले पेज के लिए, सोनू आगा की पहली पतंग, और अपोजिट साइड से शहजान लड़ा रहे हैं, और शहजान भाई भी देख रहे हैं कि इधर से कौन लड़ा रहा है। देखते हैं कौन ये काटेगा। ऊपर से तेज़ हाथों से शहजान मुड्ढा लेते हुए, और नीचे से सोनू आएगा अपनी पतंग को काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया, पतंग को चमकाया, रोके हुए ताकत से खड़ा खींच दिया है, निकलता हुआ शहजान भाई की पतंग को बढ़िया पेज शहजान भाई ने सोनू आएगा को काट दिया। भाई जुबैर भाई हमारे आ गए, जुबैर भाई ने अभी एक पेज काटा था बहुत बढ़िया जिम्मी भाई को, दूसरा पे लड़ाने के लिए आए हैं, चलते हैं जुबैर भाई के पेज पे। ऊपर से जुबैर अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए पेज काट के ताने हुए थे, काफ़ी बड़ भी है पतंग, और नीचे से शहजान अपनी पतंग की जगह लेते हुए आ रहे हैं। पतंग शहजान भाई की थोड़ी अंदर की तरफ राउंड लग रही है, अब देखते हैं पेज पे क्या होगा। धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए जुबैर और कोनी करा के शहजान जगह लिए हैं, थोड़ा सा पतंग को बाहर निकालते हुए फिर से अंदर की तरफ जगह ले रहे हैं, टेढ़ा कराए हैं, ताकत से खड़ा खींचना शुरू कर दिया है। जुबैर ने अंदर की तरफ दिखाया ताकत से और खींचने लग गए, और डोरों पे पेज आ गया है, चुस्किया निकालनी, डोर झील छोड़ते जा रहे हैं शहजान भाई, तब तेज तेज झटकते हुए जुबैर अपनी पतंग निकाले, लेकिन कोई काट काट नहीं हुई, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा कर लिया था, और जुबैर ने भी पतंग का मुड्ढा रख दिया था, लेकिन कोई काट काट नहीं हुई। तो दोबारा से जुबैर अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए और नीचे से शहजान अपनी पतंग को लगाएं, तेज़ हाथों से खींचते हुए गड़ोता हुआ मुड्ढा बनाया जुबैर ने, उसी को ताकत से मारते आ रहे, लेकिन अब की बार जुबैर ये पेज कट गए। पतंग शहजान भाई पे डाउट है, पतंग थोड़ी सी ख़राब लग रही है, तो पतंग खींचने के लिए कहा जा रहा है। कोनी कराते हुए नीचे से शहजान जगह ले रहे हैं दूसरे पेज के लिए, ऊपर से दद्दा अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए, बीचों बीच में दद्दा ने मुड्ढा उतारा, काफ़ी ज़्यादा कोनी करा के शहजान जगह लेते चले जा रहे हैं। थोड़ी सी पतंग बढ़ है, थोड़ा गर्दन की तरफ बढ़ते हुए दद्दा अपनी तेज़ हाथों से पतंग दद्दा की बाहर की तरफ राउंड लग रही है, सीधा गद्दा ताकत से मारा, देखता घूम के आ रहा भाग, तब शहजान ने ताकत से खींचा और दद्दा ये पेज कट गए। इसी के साथ शहजान भाई के दो पेज पूरे हो गए। जल्दी पतंग को तैयार कर रहे हैं, हमारा सोनू भाई आप पतंग क्यों नहीं लड़ा रहे हैं? हमारा ये सैफुल थोड़ी है, लड़ाओ तुम, बाकी छठे साथ में मिल जाएंगे, छठे साथ में मिल जाएंगे। ऊपर से तारुफ लड़ा रहे हैं और नीचे से कोनी करा के शहजान जगह लेते हुए अपने चौथे पेज के लिए, तारुफ भाई स्पीड क्लब में लड़ाते हैं आप लोग जानते होंगे, तो ऊपर से मुड्ढा रख रहे हैं बीचों बीच में तारुफ भाई, और नीचे से अपनी पतंग को चमकाते हुए शहजान चौथे पेज के लिए, देखेंगे कौन ये पेज काटेगा। बीचों बीच में मुड्ढा रखा, गड़ोता हुआ बना, अंदर की तरफ शहजान भाई ने दिखाया, रोका, तारुफ ने ताकत से कदम मारा, अंदर की तरफ शहजान भाई तेज खींचा और झटक दिया और ये बढ़िया पेज तारुफ भाई को भी काट दिया है, और इसी के साथ चार पेज पूरे हो गए हैं शहजान भाई के। ऊपर से फैसल भाई लड़ा रहे हैं पाँचवा पेज रोकने के लिए शहजान भाई को, चार पेज काट चुके हैं, अब की बार देखते हैं कौन काटेगा।
कोनी करा के शाहजहान भाई जगह ले रहे हैं। ऊपर से फैसल भाई अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए तेज़ हाथों से जगह लेते हुए अंदर के मुड्ढे पे ही खींचते चले जा रहे हैं। शाहजहान भाई रोका, रोक के पट पे थोड़ा करा, गर्दन की तरह बढ़ते हुए फैसल बीचों बीच में अपनी पतंग को लेके आए। फैसल धीरे धीरे रोके हुए हैं, रोता हुआ मुड्ढा काफ़ी दूर से बनाया, उसी को धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। पट पे करके खाली करा लिया एक बार, वापस एक कोनी करा के जगह लेते चले जा रहे हैं शाहजहान, और ज़्यादा ज़्यादा टेढ़े करा रहे हैं पतंग को। और बीच में एक पतंग और आ रही है, शायद ये विकास भाई क्लब की टीम की पतंग है जो कि फट गई है नोक से, वो पतंग भी आपको दिख रही है। धीरे धीरे फैसल अपनी पतंग को उतारते हुए, शाहजहान भाई ने थोड़ी सी डोर निकाल के वापस अंदर की तरफ खींच रहा हूँ। पतंग भी हल्की सी अंदर की है गर्दन के पास, फैसल पहुँचे रोक के अंदर की तरफ वापस से जगह ले रहे हैं। धीरे धीरे फैसल भाई अपनी पतंग की रेंज को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, और शाहजहान भाई अपनी पतंग को लगाए अंदर के मुड्ढे पे खींचा, रोका, रोक के फिर से पट पे करा, थोड़ा गर्दन के पास से पेज हो रहा है आला। पांचवा पेज है शाहजहान भाई के लिए, अब देखेंगे क्या होगा। तेज़ हाथों से जगह लेते चले जा रहे हैं, रेंज जो है धीरे धीरे जगह लेने के चक्कर में कम होती जा रही है। फैसल भाई ने थोड़ा गर्दन का मुड्ढा रखा, काफ़ी करीब करके रोका, रोक के वापस उठाया, शाहजहान भाई ने डोर छोड़ दी। तेज़ हाथों से दोबारा से जगह ले रहे हैं, ऊंचा करके मुड्ढा दिया अंदर की तरफ झटकते हुए, वापस बाहर से मुड्ढा, अंदर का मुड्ढा बनाया फैसल भाई ने, अंदर की तरफ ही ताकत से उतारा, चुस्कियों पे पेज आ गया है। अब देखते हैं कौन ये पेज काटेगा, और बढ़िया पेज डोर निकाली थोड़ी सी, और फैसल भाई ने ये पेज काट दिया। नीचे से दद्दा थोड़ा सा रेंज निकाल के अब की बार लड़ा रहे हैं, और ऊपर से अपोजिट टीम के मेम्बर मुड्ढा रखते हुए थोड़ा सा अंदर और जाके कोनी करा के जगह ले रहे हैं। दद्दा गड़ोता मुड्ढा काफ़ी दूर से बनाया, उसी को ताकत से मारते जा रहे हैं। मूनलाइट के मेंबर दद्दा पतंग को रोके, रोक के पट की तरफ ताकत से खींचा है, बाहर तक निकलते हुए पतंग जाती है। बढ़िया पेज दद्दा ने काट दिया, एक पेज हो गया दद्दा का इस पतंग से। कोनी करा के जगह ले रहे हैं दद्दा अपने दूसरे पेज के लिए, ऊपर से मूनलाइट के मेंबर दद्दा ने काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया, और सल्लक बाहर की तरफ ताकत से खींचा है, और तुरंत काट काट हो गई। बढ़िया पेज दद्दा ने काफ़ी रेंज में काट दिया, दो पेज हो गए हैं दद्दा का इस पतंग से। नीचे से दद्दा अपने तीसरे पेज के लिए जगह ले रहे हैं, और ऊपर से मूनलाइट के मेंबर ऑफ की बार काफ़ी रेंज में दद्दा लड़ा रहे हैं, दो पेज काफ़ी रेंज में काटे हैं, तीसरा पेज ये चल रहा है। धीरे धीरे मूनलाइट के मेंबर ताकत से गद्दा बनाया, उसी को ताकत से माते चले जा रहे हैं। बाहर की तरफ दद्दा ने भी ताकत से बनाया, रोका, रोक के फिर से बाहर की तरफ ताकत से खींचा, लेकिन अब की बार काफ़ी नीचे गद्दा उतर गया मूनलाइट का, और दद्दा जो ये पेज थे कट गए। तो ऊपर से तारुक जगह लेते हुए, और नीचे से कोनी करा के मूनलाइट के मेंबर जगह ले रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है आज कौन लड़ा रहा है। बीच में ममती है, तो देखते हैं अब की बार कौन पेज काटेगा। बीचों बीच में तारिफ अपनी पतंग को चमकाते हुए मुड्ढा रख रहे हैं, और ज़्यादा ऊपर से जगह ले रहे हैं, और हवा बहुत ज़्यादा दब गई है विकास क्लब की ओर, तो नीचे से कोनी कराने में बहुत आसानी है मूनलाइट को। पतंग को चमकाते हुए धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए तारुक काफ़ी ज़्यादा करीब करके ताकत से गद्दा बनाया, उसी को ताकत से माते रहे, खड़ा खींचा है दूसरी टीम के मेंबर ने, लेकिन कट गया। बढ़िया पेज तारुक ने काट दिया, और टावर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है आज विकास क्लब को। नीचे से कोनी करा के जगह ले रहे हैं, ऊपर से मूनलाइट के मेंबर ताकत से गद्दा बनाया, उसी को ताकत से मारते आ रहे, काफी करीब करके रोका है, और रोक के वापस ताकत से खींच रहे अंदर की तरफ। बब्बल भाई भी ताकत से खींचा, बढ़िया पेज ये काट दिया बब्बल भाई ने, एक पेज हो गया बब्बल भाई का इस पतंग से। हमारे सोनू आगे लड़ा रहे हैं, अजगर की पतंग लड़ा रहे हैं, अब चलते हैं इनके पेज पे, देखेंगे इतनी महंगी पतंग से कितने पेज काटेंगे हमारे सोनू भाई। कोनी करा के नीचे से जगह लेते हुए मूनलाइट के मेंबर, और ऊपर से सोनू आगा अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा कोनी कराते जा रहे हैं, और टावर के पीछे से अपनी पतंग को लेते हुए आ रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर, और ऊपर से विकास के मेंबर सोनू आगा मुड्ढा रखते हुए बीचों बीच में ले जाके मुड्ढा रख रहे हैं। मूनलाइट के मेंबर ने काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया, वापस अंदर एकदम मुड्ढा बनाया, और तेज़ हाथों से पतंग को ले रहे हैं, और ये पतंग ख़राब हो गई थी आदिल भाई की, ये आदिल भाई पतंग को उतार रहे हैं अपनी, सीधा गद्दा अंदर की तरफ बनाया। सोनू आगे ने रोका, दूसरी टीम के मेंबर नीचे नीचे अपनी पतंग को चलाते हुए, सोनू आगे टेढ़ा कराने जा रहे ऊपर से, लेकिन अपोजिट टीम के मेंबर अपनी पतंग को हवा की सीध में ही रखे हैं, कोनी करा के जगह ले रहे हैं। सीधा मुड्ढा सोनू आगे ने पतंग उतार वापस उठा लिया, पूरी सोच समझ के लड़ा रहे हैं, महंगी पतंग उड़ाए हैं, देखना यह है कि कितने पेज काट पाएंगे असगर से। धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए कोनी करा के अपोजिट टीम के मेंबर जगह ले रहे हैं, और ऊंचा करके मुड्ढा दे रहे हैं, टेढ़ा कराते जा रहे हैं। दूसरी टीम के मेंबर का पतंग को काफी ऊंचा करके निकलता हुआ बनाया सोनू आगे ने, उसी को ताकत से मार लिया भाग तक खींचते हुए दूसरी टीम के मेंबर, लेकिन कट गए। बढ़िया पेज काट दिया, और असगर से एक पेज काट दिया सोनू आगे ने। नीचे से तारुक जगह लेते हुए, ऊपर से मूनलाइट के मेंबर मुड्ढा रखते हुए, सोनू आगे जो पेज काट के दे रहे थे काफी बढ़िया महंगी पतंग उड़ाए थे, हाथ से धूम टूट गया और पतंग चली गई बहुत लंबो से। तारुक नीचे से जगह लेते हुए
ऊंचा करके मुड्डा दिया ऊपर से। मूनलाइट के मेंबर धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए वापस अंदर की तरफ पतंग को जगह ले रहे हैं। नीचे से तारुफ अपनी पतंग को तेज हाथों से चमकाते हुए अंदर की तरफ पतंग को उतारा, भाग दफ्ताल से अलग बना लिया, उसको ताकत से खींचते चले आ रहे हैं। तारुफ ताकत से खींच रहे हैं लेकिन सीधा गद्दा मारा मूनलाइट के मेंबर ने और तारुफ की ये पतंग कट गई। नीचे से आदिल भाई जगह लेते हुए ऊपर से जिम्मी भाई लड़ा रहे हैं मूनलाइट की तरफ से और दो पेज बढ़िया काट चुके हैं। कोनी करा के आदिल भाई जगह ले रहे हैं तीसरे पेज के लिए। ऊंचा करके मुड्डा दिया जिम्मी भाई, थोड़ा करीब करा, रोका, रोक के फिर से बाहर की तरफ बनाया, उसको ताकत से मारते आ रहे। पतंग धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रही है और आदिल भाई जैसे ही ऊंचा करा कट गए। बाहर की पतंग है जिम्मी भाई की, उसका फ़ायदा मिला है गद्दा मारने में। तीन पेज हो गए जिम्मी भाई के। नीचे से फैसल दूसरे पेज के लिए जगह ले रहे हैं, ऊपर से मूनलाइट के मेंबर लड़ा रहे हैं, शल्लू लड़ा रहे हैं ऊपर से, पतंग को कम करके ऊपर से अंदर की तरफ चलते चले आ रहे हैं। फैसल भाई थोड़ी सी मीडियम पतंग उड़ाए हुए हैं, कोनी करा के बढ़ दे के नीचे नीचे जगह लेते चले जा रहे हैं। शल्लू ने अपनी पतंग की रेंज को कम करा, काफ़ी करीब करके मिला रहे हैं, गद्दा मारने के मूड में है। काफ़ी करीब करा, पट पकड़ के खाली करा, उसी को गद्दा बनाया। मूनलाइट के मेहमान ने धीरे धीरे मारते रहे, डबल करते हुए पेज आ गया, कंटी मार के रख लिया फैसल भाई ने भी। अब देखते हैं कौन ये पेज काटेगा, चुस्कियों पे पेज और डोल निकालते निकालते बढ़िया पेज फैसल भाई ने काट के दो पेज अपने पूरे कर लिए। तौसीफ भाई आ गए हैं, पेज सही होते तुरंत गद्दा मारना शुरू कर दिया। पेज होने के बाद दूसरी पतंग तुरंत टावर तोड़ पतंग लड़ रही है। फैसल भाई ने अपनी पतंग बचाने के लिए नीचे करा और ये टावर के बगल में खड़ा होता है मुड्डा तौसीफ भाई ने बनाया। भाग दम निकालते हुए फैसल भाई अपनी पतंग को लिया, वापस से कंटी मार के रखने की कोशिश करी लेकिन जैसे ही ऊंचा करा तौसीफ भाई ने अपनी पतंग को, फैसल भाई ये पतंग काट गया। बढ़िया पेज काट दिया मूनलाइट के मेंबर ने। बाहर की तरफ दद्दा खींचते हुए रोका, रोके कंटी मार के रखा, रोके अंदर की तरफ ताकत से खींच रहे हैं लेकिन बाहर की तरफ सलग खड़ोता हुआ मुड्डा मार के मूनलाइट के मेंबर ने दद्दा को ये पेज काट दिया। ऊपर से राहुल तीसरे पेज के लिए, नीचे से तारुफ लड़ा रहे हैं, दो पेज राहुल ऊपर से काट चुके हैं। अब की बार देखते हैं कौन काटेगा। गड़ौदा मुड्डा काफ़ी दूर से घेरते हुए बनाया, राहुल उसी माते जा रहे हैं। तारुफ रोके हैं, रोके अंदर तक ताकत से खींचा है, पतंग उठाई झटके मारते हुए राहुल ने बढ़िया पेज तारुफ को भी काट दिया। तीन पेज पूरे कर लिए हैं राहुल ने मूनलाइट के लिए, चार पेज काट चुके हैं। नीचे से फैसल, फैसल ने डोर फेंके ताकत से खींचा हो, जैसे ही रोका था राहुल ने तुरंत कट गए, बढ़िया पेज काट दिया। एक पेज हो गया फैसल भाई का इस पतंग से। तो सोनू आएगा ऊपर से मुड्ढा रखते हुए, कोनी करा के नीचे से शहजान दूसरे पेज के लिए जगह लेते जा रहे हैं। बीचों बीच में सोनू आगे ने अपना मुड्ढा रखा, थोड़ी सी कम पतंग करके पट पे दिखाया, रोका ताकत से खड़ोता मुड्ढा बनाया। सोनू आगे ने रोक के फिर से ताकत से बनाया, उसी को मारते जा रहे हैं। अंदर तक पतंग घूम के आ रही थी शहजान की लेकिन उससे पहले ही कट गए, बढ़िया पेज रोकते मुड्ढे बदलते हुए सोनू आगे ने शहजान भाई को ये काट दिया। शहजान भाई पेज लिखा रहे हैं, शल्लू भाई चरखी दिखा रहे हैं, इधर हमारे सोनू भाई पेज लड़ा रहे हैं। चलते हैं पेज पे, एक पेज काट चुके हैं। कोनी करा के सोनू आगे नीचे से जगह लेते हुए ऊपर से शहजान काट के अपने मेंबर को चांस दे रहे हैं। धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए गड़ौता मुड्डा दूर से बनाया, हल्की हल्की पतंग जारी, रोका शहजान ने, रोक के फिर से बाहर की तरफ बनाया। सोनू आगे रोके हैं, अभी भी रोके हैं और रोके ही ये पेज कट गए, बढ़िया पेज शहजान ने काट दिया। कोनी करा के मूनलाइट के मेंबर नीचे जगह लेते हुए ऊपर से दद्दा मुड्डा रखते हुए मूनलाइट की पतंग हल्की सी अंदर की तरफ लग रही है, तेज़ हाथों से खींच रहे हैं तो गिर रही है। पेज पे देखेंगे किधर जाएगी, थोड़ा गर्दन के पास काफ़ी दूर से दद्दा ने मुड्डा बनाया, करीब करके रोका और रोकते ही देखिए डोर मिल गई थी, पट पे खींचना चाह रहे थे मूनलाइट के मेंबर, तुरंत कट गए, बढ़िया पेज दद्दा ने काट दिया। कोनी करा के नीचे से दद्दा दूसरे पेज के लिए जगह ले रहे हैं, ऊपर से मूनलाइट के मेंबर ताकत से कदम बनाया, दद्दा ने डोरों पर रखे हैं चक्कर लिए, बाहर की तरफ ताकत से क्रॉस खींचा है, उसको खींचते जा रहे हैं लेकिन काफ़ी लेट हो गए और दूसरी टीम के मेंबर ने गद्दा मार के दद्दा को ये पेज काट दिया। ऊपर से फैसल, नीचे से तौसीफ, देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। धीरे धीरे फैसल अंदर की तरफ मुड्डा रखते हुए नीचे से कोनी करा के तौसीफ जगह लिए हैं, थोड़ी सी रेंज में पतंगें लड़ रही हैं और पुरवाई की तरफ हवा है और ये जो छत पे आज चढ़े हैं इस पे दिक्कत हो रही है क्योंकि आगे टावर भी आ रहा है, टंकी भी आ रही है तो नीचे का पेड़ लाने के लिए काफ़ी दिक्कत है। अंदर की तरफ फैसल ने पतंग को दिखाया, तौसीफ रोके हैं, रोक के भाग तरफ खींचा, फिर से रोका, फैसल ने अंदर की तरफ ताकत से गद्दा मारना शुरू करा, क्रॉस के वो खींच रहे हैं, तौसीफ भी दोनों लोग ताकत से खींचते जा रहे हैं लेकिन फैसल ये पेज कट गए, बढ़िया पेज तौसीफ भाई ने काट दिया। फ्रेंड्स, दूसरी टीम के ये सारे मेंबर हैं, जिम्मी भाई पानी पी रहे हैं, बिलाल भाई बैठे हैं, अशु भाई रेड कैप में, राहुल बैठे हुए हैं ये हाथ हिलाते हुए, आशीष भाई कैप उछालते हुए, उनके पीछे पप्पू भाई बैठे हुए हैं, राहुल भाई खड़े हैं, शहजान भाई हैं और एक दो मेंबर और हैं जिनका नाम नहीं जानते, काफ़ी लोग हैं। ये राहुल भाई हाथ दिखा रहे हैं तो इधर बुला रहे हैं तो देखते हैं, कोशिश करेंगे उधर भी जाने की। डंपी भाई हैं, वाइट टी शर्ट में तो नहीं आएंगे, चलते हैं पेज पे, जो भी पेज और होने हैं उनको कवर करते हैं। और ये स्पीड क्लब के आलोक भाई भी आ गए हैं, दूसरी छत की ओर से जाके लड़ानेंगे, साथ में तारुफ भी खड़े हैं और मेंबर्स यहाँ पे देख सकते हैं।
पेज काट दिया सोनू आगा ने और नीचे से चांस ले रहे हैं आलोक भाई। अब चलते हैं आलोक भाई के पेज पे, शाम को आए हैं, पहली पतंग है आलोक भाई की, देखेंगे कौन काटेगा ये पेज। नीचे से आलोक जगह ले रहे हैं अपने पहले पेज के लिए और अपोजिट टीम में मूनलाइट के मेंबर लड़ा रहे हैं, नहीं दिख पा रहे हैं कौन लड़ा रहा है। आपकी बार फिर से कोनी करा के जगह लेते चले जा रहे हैं और तेज़ हाथों से आपकी बार कम कर रहे हैं रेंज मूनलाइट के मेंबर। आलोक अपनी पतंग को थोड़ा सा बढ़ करके लगाए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोनी करा रहे हैं, टेढ़ा करा रहे हैं अपोजिट टीम की मेंबर की पतंग, लेकिन पतंग को ऊपर ही ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेंज कम करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी टीम के मेंबर। लोग भी अपनी पतंग को कोनी करा के जगह लेते जाएंगे लेकिन रेंज को नहीं कम कर रहे हैं, काफ़ी रेंज में ही पतंगें लड़ रही हैं। अभी भी बाहर की तरफ खींचा है, कड़ोता मुड्डा मारा, अंदर की तरफ पतंग घूम के आ रही है, लोग बाहर की तरफ ताकत से खींच रहे हैं, दोनों लोग ताकत से खींचते जा रहे हैं और बढ़िया पेज ये बाहर की तरफ खींचते हुए आलोक ने मूनलाइट के मेंबर को काट दिया और एक पेज हो गया है आलोक भाई का इस पतंग से। ऊपर से सोनू आगा मुड्ढा रखते हुए काट के अपने मेंबरों को चांस दे रहे हैं विकास क्लब के लिए और कोनी करा के नीचे से जगह लेते हुए राहुल लड़ा रहे हैं मूनलाइट के लिए। अब देखते हैं कौन काटेगा। बार बार अजगर की पतंग उड़ा रहे हैं सोनू आगा, जैसा हमने कहा था जिसके पास जैसा पैसा होता है वैसी पतंग वैसी मटेरियल उड़ाता है, किसी के कहने से कोई नहीं उड़ाता है। काफ़ी बड़ निकाल रहे हैं, कोनी करा के जगह लेते जा रहे हैं राहुल, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, रोका, अंदर की तरफ फिर से दिखा रहे हैं सोनू आगा, पतंग को चढ़ाए हुए हैं अंदर के मुड्ढे देख कर रोके हुए हैं राहुल, रोक के बाहर की तरफ खींचना शुरू करा और सोनू आगा ने अंदर की तरफ ताकत से खींच, सोनू आगा ये पेच कट गए, पतंग थोड़ी सी बाहर की तरफ राउंड लग रही है राहुल की। ऊपर से तारुफ और नीचे से मूनलाइट के मेंबर, नहीं दिख रहा कौन लड़ा रहा है। धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए तारुफ, पतंग को चमकाते हुए गढ़ोता मुड्डा, तारुफ ने काफ़ी दूर से बनाया, रोक बाहर की तरफ ताकत से खींचना शुरू कर दिया मूनलाइट के मेंबर ने, उसी तारुफ ने भी ताकत से गद्दा मारा है, काफ़ी देर तक गद्दा मारते चले जा रहे हैं और ये पे तारुफ ने काट दिया है मूनलाइट के मेंबर को। एक पेज हो गया तारुफ भाई का इस पतंग से। नीचे से तारुफ दूसरा पेज लड़ा रहे हैं, ऊपर से अपोजिट टीम के मेंबर, अंदर की तरफ तारुफ ने झोल काटने के खींचा लेकिन काट काट नहीं हुई। धीरे धीरे मूनलाइट के मेंबर ने पतंग उतारा, भाग दफ तारुफ ताकत से खींचते हुए अभी भी ताकत से खींचते जा रहा, बढ़िया पे तारुफ ने फिर से काट के दो पेज अपने पूरे कर लिए हैं। कोनी करा के चौथे पेज के लिए नीचे से तारुफ जगह ले रहे हैं, ऊपर से मूनलाइट के मेंबर, देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। बीचों बीच में मुड्ढा उतारा मूनलाइट के मेंबर ने, वापस ऊपर खींचते हुए झोल लगाने की कोशिश, तारुफ ने भी पड़ करके खाली कराया, रोका, रोक के भाई तक दिखाया, फिर से रोके खड़ा खींचा, तेज तेज झटके मार रहे हैं, अंदर की तरफ पतंग आई तारुफ की थोड़ी सी और सीधा गद्दा गड़ोता हुआ मार के मूनलाइट के मेंबर ये पेच कट गए। ये हमारे दद्दा लड़ा रहे हैं, देखते हैं हम लोग दद्दा कितनी तेज खींचेंगे, ये छत की दौड़ है पूरी। दद्दा अपना मुड्ढा बनाते हुए पेज हम आपको बता दे रहे हैं, दद्दा ऊपर से लड़ा रहे हैं, दूसरी टीम के मेंबर नीचे से, दद्दा ने गड़ौता वो मुड्ढा सीधा बनाया, उसी को ताकत से मारते आ रहे हो, दद्दा देखिए धीरे धीरे पीछे आ रहे हो, टीन आ गई है पीछे, रुक गए दद्दा, बढ़िया पेज दद्दा ने काट दिया ये। अब देखेंगे हम लोग दद्दा का दूसरा पेज जो नीचे से लड़ाएंगे। ऊपर से राहुल, पतंग राहुल की बाहर की, गद्दा करीब करके बनाया, उसी को ताकत से मारते जा रहे हैं, दद्दा ने भी रोके अंदर की तरफ खींचा ताकत से, दोनों लोग ताकत से खींच रहे हैं, पेज अभी है, पतंग काट काटनी हुई, ये पतंग निकल के आ रही है राहुल की, दद्दा की पतंग भी काफ़ी नीचे आ गई है, वापस से दद्दा आगे बढ़े हैं बहुत तेज़ और कोनी करा के जगह लेते जा रहे हैं दद्दा, दोनों की पतंग एक दूसरे के थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रही है, देखिए राहुल ने बाहर की तरफ धीरे से दिखाया, दद्दा ने रोका, रोक के कंठी मारा है, अब देखिए पेज आया कि नहीं, पेज आ गया है चुस्कियों पे, अब देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। चुस्किया निकल नहीं है, तार वाला भी बीच में घुसड़ रहा है, राहुल ने अपनी पतंग को फिर से नीचे करा, दद्दा भी नीचे कर रहे हैं, चुस्कियों में पेज है, पेज चल रहा है और बढ़िया पेज काट दिया और साथ ना लोग भाई जिनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं जो बता रहे थे कि हाँ पेज है और बढ़िया पेज, दद्दा ने काट के दो पेज अपने पूरे कर लिए। अशु भाई ऊपर से नीचे से दद्दा जगह लेते हुए तीसरे पेज के लिए थोड़ा सा कम करके अशु भाई ने मुड्ढा बनाया, उसको ताकत से माते रहा, अंदर की तरफ दद्दा ने दिखाया ताकत से खींचा, बढ़िया पेज अशु भाई को भी काट दिया अंदर की तरफ खींच के, तीन पेज हो गए दद्दा के। नीचे से दद्दा, ऊपर से मूनलाइट के मेंबर, दद्दा ने ताकत से पहल करके खींचना शुरू कर दिया, सीधा गद्दा उतारा है मूनलाइट के मेंबर और ये पेज कट गए, बढ़िया पेज दद्दा ने काट दिया और चार पेज अपने पूरे कर लिए इस पतंग से। कोनी करा के दद्दा पांचवें पेज के लिए जगह ले रहे हैं और ऊपर से टंपी लड़ा रहे हैं मूनलाइट के लिए, निकलता हुआ मुड्ढा काफी कम करके बना रहे हैं, रोका, रोक के फिर से मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से बढ़िया मारते जा रहे हैं और डोर मिल गई थी
विकास दद्दा रोके हुए थे मुड्ढा बदलने के लिए और उससे पहले ही कट गए। ऊपर से आदिल भाई, नीचे से टंपी भाई लड़ा रहे हैं। डोर काफ़ी ज़्यादा निकल गई दोनों की और डोर निकालते जा रहे हैं। ऊपर से आदिल भाई डोर लगाने के चक्कर में है, नीचे से मूनलाइट के मेंबर भी डोर निकालते जा रहे हैं। काफ़ी रेंज में पतंगे हैं। वापस से जगह लेते हुए मूनलाइट के मेंबर अंदर की तरफ ही सीधा मुड्ढा उतारा आदिल भाई ने। काफ़ी रेंज में पेज अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया है मूनलाइट के मेंबर ने और चक्कर कट गया आदिल भाई के। काफ़ी रेंज में पेज था, दो पेज हो गए हैं मूनलाइट के इस पतंग से। ऊपर से लड़ा रहे हैं अफसर, स्पीड क्लब में लड़ाते हैं ये भी, और कोनी करा के नीचे से जगह ले रहे हैं टंपी भाई। शायद मूनलाइट की तरफ से लड़ा रहे हैं, दो पेज काट चुके हैं, कोनी करा के जगह लेते जा रहे हैं। ये डंपी भाई हैं जो गोल्डन टीम में लड़ाते हैं। ऊंचा करके मुड्ढा दिया डंपी भाई ने, निकलता हुआ अफसर ने बनाया, काफ़ी दूर से बनाया, उसी को चल रहे हैं लेके। रोका रोक के डबल करी बाहर की तरफ डंपी भाई खींच रहे हैं, अफसर भी ताकत से खींचते जा रहे हैं। पेज फंस गया है, चुस्कियों पे पेज आ गया है। अब देखते हैं कौन ये पेज काटेगा, अफसर की ये पतंग कट गई। तो तीन पेज हो गए हैं डंपी भाई के इसी के साथ। और फ्रेंड्स गलती हो गई, ये आशीष भाई काट रहे हैं मूनलाइट वाले। अबकी बात चौथा पेज, ऊपर से फैसल लड़ा रहे हैं, नीचे से आशीष ने ऊंचा करके मुड्ढा दिया, गड़ोता मुड्ढा फैसल ने बना लिया। काफ़ी दूर से उसी को ताकत से मारते आ रहे हैं। बाहर की तरफ आशीष ने फिर से गिनना शुरू करा, लेकिन अब की बार कट गए। तो बढ़िया पेज फैसल भाई ने काट के रोक लिया आशीष भाई को और ज़्यादा पेज काटने से। ये हमारे दद्दा बब्बल भाई कह रहे हैं पेज सीख लीजिए, एक पेज काटा है, झोल काट दिया है। धूप बहुत तेज़ है, इधर इलमास भाई भी आ गए हैं, पतंग लंबे कर रहे हैं। तारू भाई लोग भाई पतंग तैयार कर रहे हैं, बच्चा भाई भी बैठे हैं जो पतंग बनाते हैं। और बच्चा भाई बाहर वालों को तो पतंग दे ही रहे हैं, लखनऊ वालों को तो दे ही नहीं रहे हैं। अपना नंबर बता दीजिए तो जो लोग जिनके पास नंबर नहीं है वो लोग देख के आपको कॉल करके पतंग मंगा सके। 8175054601। तो बच्चा भाई ये नंबर आपका व्हाट्सएप पर भी है, तो ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप कांटेक्ट करके कहीं के भी हो बच्चा भाई से पतंग बनवा सकते हैं, आपको डायरेक्ट पतंग मिल जाएगी। लेकिन देते नहीं है। नीचे से बब्बल भाई पांचवें पेज के लिए जगह ले रहे हैं। ऊपर से मूनलाइट के मेंबर धीरे धीरे पतंग को चमकाते हुए मुड्ढा रख रहे हैं। रेंज में पतंगें लड़ रही हैं आज। धीरे धीरे अंदर की तरफ पतंग उतारते चले जा रहे हैं, ऊंचा करके मुड्ढा दिया अंदर की तरफ। बब्बल भाई ने पतंग को दिखाया, पतंग बब्बल भाई की बाहर की है, धीरे धीरे ऊंची हुई और गड़ौता मुड्ढा ताकत से मारा राहुल ने और ये पेज बब्बल भाई कट गए। कोनी करा के तारू नीचे से दूसरे पेज के लिए जगह ले रहे हैं। ऊपर से मूनलाइट के मेंबर धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए, तारू ने काफी पहल करके ऊंचा करके मुड्ढा दिया है, चमकाया चमका के रोके हुए अंदर की तरफ मुड्ढा उतारो ताकत से खींचा तारू ने और धीरे धीरे ऊपर से मुड्ढा रखे हुए थे मूनलाइट के मेंबर कट गए। दो पेज हो गए तारू के इस पतंग से। इस समय इलमास भाई लड़ाने आए हैं और पेज फेर रहे हैं भारी पतंग से, देखते हैं कौन काटेगा। पहला पेज है इनका ये। नीचे से मूनलाइट के मेंबर, ऊपर से इलमास धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए भारी पतंग उड़ाए हैं, रेंज को थोड़ा सा कम करा रहे हैं। कोनी करा के मूनलाइट के मेंबर जगह ले रखी है, इलमास उस पर मुड्ढा नहीं उतार रहे अपना, कम करा के अंदर की तरफ ही पतंग उतारते हैं। अब की बार देखेंगे कैसे लड़ाएंगे, रेंज को कम करते जा रहे हैं। मूनलाइट के मेंबर भी रेंज को कम करते हुए अंदर की तरफ ही पतंग को खींच रहे हैं, रेंज को कम करके ला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऊँचा करके मुड्ढा दिया मूनलाइट के मेंबर ने, धीरे धीरे अपनी पतंग को उतार रहे हैं। इलमास उतारा, उतार के रखा, तेज झटके मार रहे थे बाहर की तरफ, लेकिन मूनलाइट के मेंबर ने खींच के अलमास की पतंगे काट दी भैया। कोनी करा के नीचे से मूनलाइट के अशु भाई जगह ले रहे हैं दूसरे पेज के लिए। ऊपर से दद्दा निकलता हुआ मुड्ढा काफी दूर से बनाया, रोका रोके सीधा गद्दा ताकत से बना लिया, उसी को मारते जा रहे हैं। अंदर की तरफ अशु भाई ने ताकत से खींचा और दद्दा की ये पतंग कट गई। दो पेज हो गए हैं अशु भाई के मूनलाइट की तरफ से। ऊपर से सोनू आगा मुड्ढा रखते हुए और नीचे से कोनी करा के जगह ले लिया अशु भाई ने, बाहर का मुड्ढा बनाया। सोनू आगा ने निकलता हुआ बड़ा पतंग से रोक के अशु भाई ने अंदर की तरफ दिखाया, बढ़िया पेज काट दिया। तीन पेज काट दिए हैं अशु भाई ने मूनलाइट की तरफ से। नीचे से आलोक रोका, ऊपर से मूनलाइट के मेंबर सीधा गद्दा मारते हुए, आलोक रोके हुए थे जैसे खींचने के लिए शुरू करा, हाथ चलाया कि कट गए। तो ऊपर से अफसर लड़ा रहे हैं, नीचे से तौसीफ लड़ा रहे हैं, कोनी करा के तौसीफ जगह लेते जा रहे हैं और काफ़ी रेंज में पतंगें लड़ रही हैं। तौसीफ थोड़ा सा घेरते हुए रख रहा है, वापस से अंदर जा रहे हैं बीचों बीच में मुड्ढा लेके ऊपर से, और कोनी करा के तौसीफ भाई जगह लेके ऊंचा करके मुड्ढा दे रहे हैं। बाहर का मुड्ढा बनाया, रोका तौसीफ ने, काफ़ी अफसर ने काफ़ी दूर से मुड्ढा बना लिया, उसी को ताकत से बलिया मारते चले जा रहे हैं। बाहर की तरफ तौसीफ भी खींच रहे हैं, बढ़िया पेज काट दिया अफसर ने, एक पेज हो गया अफसर का इस पतंग से। और अफसर ने बढ़िया पेज काटा था और आलोक भाई ने पतंग ले ली है, उससे एक पेज और काट दिया है। दूसरा पेज भी अब आलोक भाई लड़ाएंगे नीचे से, तो देखते हैं आलोक भाई का पेज। और पीछे से एक पतंग उड़ा रहे हैं भाई जान, तो बहुत गुस्सा हो गए हैं, तो वो
जो पतंगे लड़ा रहे हैं हम लोग से, उनकी पतंगे भी काटे दे रहे हैं। ये पतंग है उनकी लगी हुई, अगर ये काटते हैं तो हम लोग देखेंगे। पीछे से उड़ा रहे हैं, इनको दिखाएंगे कि कौन है। ये मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं जाए कुछ हो जाए, जिसकी पतंग हो हमसे कोई लेना देना नहीं, हम काट के रहेंगे। खूनी करा के नीचे से आलोक भाई दूसरे पेज के लिए जगह ले रहे हैं। ऊपर से मूलाइट की मेहमत भर लिया, ताकत से सीधा कदम आते जा रहे हैं। भाग आलोक भाई ने जैसे खींचा पतंग हल्की से घूम के अंदर की तरफ आई मूनलाइट की, और आलोक भाई ये पेज कट गए और अफसर की पतंग इन्होंने कटवा दी। रखा भाई ऊपर से आदिल भाई मुड्ढा रखते हुए, नीचे से मूनलाइट के मेंबर काफ़ी दूर से मुड्ढा बनाया, थोड़ा सा गर्दन की तरफ ही जाते हुए, अंदर की तरफ नहीं रख रहे हैं, थोड़ा गर्दन की तरफ बढ़ते हुए आदिल भाई ने मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से बढ़ते जा रहे हैं, अंदर की तरफ दिखा रहे हैं, तेज तेज झटके मारने शुरू कर दिए मूनलाइट के मेंबर ने, और अब जाके आदिल भाई की ये पतंग कट गई। दो पेज हो गए हैं मूनलाइट के इस पतंग से। देखिए सोनू आ गया एक और 50 रुपये वाली पतंग उड़ा रहे हैं, और ये पतंग है इमरान पग्गल की, बहुत महंगी महंगी पतंग उड़ा रहे हैं। ये है हमारे सोनू आगा। सोनू भाई इधर देखिए जरा, बहुत महंगी महंगी पतंग उड़ा रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस होगा आपका। कोई बिजनेस नहीं है तो देखिए, इनका बिजनेस नहीं लेकिन पतंग बहुत महंगी महंगी उड़ाते हैं। 50 रुपये वाली पतंग ये उड़ा रहे हैं इमरान पग्गल की, और सुबह से असगर की पतंग उड़ा रहे हैं। नीचे से फैसल भाई दूसरे पेज के लिए जगह ले रहे हैं, ऊपर से मूनलाइट के मेंबर कोनी करा के फैसल भाई जगह लेते चले जा रहे हैं। गर्दन की तरफ मूनलाइट के मेंबर अपनी पड़ पतंग को बनाए हैं और घेरते हुए मुड्ढा उतार रहे हैं। राहुल लड़ा रहे हैं, ये अलमाज भाई की आवाज़ थी आपने सुनी, जो रोता मुड्ढा घेरते हुए बनाया। राहुल ने उसी को ताकत से भलिया मारते जा रहे हैं, पतंग सीधी हो रही बाहर की पतंग, लेकिन बाहर की तरफ फैसल ने ताकत से खींच के ये पेज काट दिया, और दो पेज हो गए हैं फैसल के इस पतंग से। ऊपर से डंपी भाई मुड्ढा रखते हुए, नीचे से फैसल अपनी पतंग को चमकाते हुए तीसरे पेज के लिए कोनी करा के जगह ले रखी है। थोड़ा सा बढ़ करके अब की बार डंपी भाई मुड्ढा उतार रहे हैं, बीचों बीच में मुड्ढा उतारा, गड़ोता मुड्ढा काफ़ी दूर से बना रहे उसी को मारते जा रहे। डंपी भाई की पतंग भी सीधी हो रही, भागता फैसल ने खींचा और पेज काट दिया फिर से फैसल भाई ने, और तीन पेज पूरे हो गए। कोनी करा के फैसल भाई पांचवें पेज के लिए जगह ले रहे हैं, चौथा पेज काट दिया, बना नहीं पाया उसकी वीडियो। ऊपर से पांचवा पेज रोकने के लिए मूनलाइट के लिए आए हैं तौसीफ, गड़ोता मुड्ढा काफी दूर से बनाया, फैसल भाई ने भी बाहर का मुड्ढा बना लिया उसी को ताकत से कितने गड़ोता मुड्ढा तौसीफ भाई का जा रहा। फैसल भाई ये पतंग कट गए क्योंकि लड़ गए थे सरिया में, ये कहिए चोट नहीं लगी, यहाँ कपड़ा बंधा है वरना बहुत बुरी चोट लग जाती इनको हाथ में। बच्चा भाई पतंग बनाते हैं, पतंग आपने देखी कैसी बनाते हैं, आज पेज लड़ा रहे हैं ऊपर से, देखिए पेज कैसा लड़ाते हैं, निकलता हुआ गद्दा बच्चा भाई ने बनाया, ताकत से बना लिया उसी को मारते हैं, अंदर तक दिखाया मूनलाइट के मेंबर ने, लेकिन कट गए। बढ़िया पेज बच्चा भाई ने काटा, और ये रहे हमारे बच्चा भाई, तो पतंग तो बढ़िया बनाते ही हैं और साथ में बढ़िया पेज भी लड़ाते हैं, ये आपने देख लिया। और ये हमारे फैसल भाई कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं फैसल भाई, कह रहे थे पतंग के बारे में बच्चा मोटी हो गई, बहुत मोटी हो गई है, पीछे तो पतली दिख रही नहीं, हाँ पतंग में देना मोटी हो गई, तो बहुत बढ़िया पतंग लड़ाते हैं बच्चा भाई, फिर से चलते हैं उनके दूसरे पेज। अच्छा हम लोग कहते हैं 22 रुपए 23 रुपए, अच्छा मतलब इस चक्कर में लोकल वालों को नहीं मिली, लोकल वालों को नहीं दे, यही शिकायत है जो लोकल के ज्यादातर कारीगर हैं वो लोकल वालों को ही नहीं देते हैं। तो बच्चा भाई दूसरा पेज लड़ा रहे हैं, ये खड़े हुए हैं, चलते हैं बच्चा भाई के दूसरे पेज पे। तो फैसल भाई ये वैसे अगर देखा जाए तो इस पतंग को लड़ते हुए आज कौन सा दिन है, अगर बीच में बनना भाई 21वां दिन है इस पतंग को, और कोई ना कोई बात जरूर है बताई नहीं जा रही कैमरे पे, लेकिन देखिए कब तक ये पतंग लड़ेगी, क्योंकि सीजन भी शुरू हो जाता है अक्टूबर से, बीच बीच में आके 5-6 दिन के बाद या 10 दिन के बाद कवर करते रहेंगे, सीज़न अभी दूर है, अक्टूबर तक पतंगें लड़ती हैं सीज़न की। ये हमारे आलोक भाई पतंग को तैयार कर रहे हैं, हमारे लोग भाई कब लड़ाएंगे, तैयार तो कर ले। बच्चा भाई नीचे से दूसरे पेज के लिए जगह लेते हुए, ऊपर से मूनलाइट के मेंबर और राहुल भाई लड़ा रहे हैं, थोड़ा सा गर्दन की तरफ घेरते हुए कन्ने मार रहे हैं, तो बच्चा भाई आवाज़ दे रहे हैं कन्ने ना मारिए, थोड़ा रख के पे लड़ाइए, बड़ दे के कन्ने मार रहे हैं राहुल भाई को नीचे बुला के गद्दा मार दो, फैसल की आवाज़ सुन सकते हैं, बता रहे हैं नीचे से बुला के गद्दा मार दीजिए, अब देखिए क्या करेंगे बच्चा भाई क्या करेंगे, नीचे जाइए राहुल भाई, तो फैसल भाई का कहना मान लिया है बच्चा भाई ने, नीचे से बुला ले रहे हैं राहुल भाई को, अब देखते हैं नीचे से बुला के बच्चा भाई काट पाएंगे कि नहीं। तो बच्चा भाई ऊपर से अपनी पतंग को लेके आ गए हैं, कोनी करा के बढ़ देके राहुल भाई नीचे से आ गए अब की बार, अब देखना है बुलाने के बाद क्या होगा, काफी बढ़ करके कोनी कराते जा रहे हैं, बच्चा भाई अपनी पतंग को धीरे धीरे उतार रहे हैं, वापस ऊपर कर लिया, धीरे धीरे मुड्ढा उतारते हुए राहुल भाई ने दिखाया, रोका खींच के अंदर की तरफ खींचा ताकत से, बच्चा भाई उसी ताकत से गद्दा मारते जा रहे हैं, अंदर की तरफ तेज तेज झटके मार रहे हैं, चुस्के ऊपर पेज आ गया, कोई काट काट नहीं हो रही, और बढ़िया पेज दौड़ निकालते हुए चुस्के ऊपर बच्चा भाई ने काट दिया, दो पेज हो गए बच्चा भाई के। वैर भाई हैं पेज लड़ाने के लिए, जैसे ही पतंग लेके आते हैं कोई ना कोई मेंबर इनके साथ वाला काट देता है, अब की बार विकास दद्दा ने इनकी पतंग को काट दिया।
बच्चा भाई अपनी पतंग को चलाते हुए ऊपर से कोनी करा के मूनलाइट के मेंबर जगह ले रखी है। तेज हाथों से ऊंचा करा अपनी पतंग को। बच्चा भाई अंदर की तरफ खींचते जा रहे हैं, मूनलाइट के मेंबर रोक लिए उसी को खींचते जा रहे हैं, रोक के वापस से ताकत से खड़ोता मुंडा बच्चा भाई ने बनाया उसी को मारते जा रहे हैं, लेकिन अब की बार कट गए। और महंगी पतंग लाए क्या, वही लड़ नहीं पा रही क्या? यही से कट जा रही। तो कल अपना बैग लाएंगे, कल अपना बैग लाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर कल फिर छत पे आए अली तो बनाएंगे। बब्बल भाई अपने लायक पतंगे डाले सब। अच्छा बब्बल भाई अपनी तरह से पतंग डाले बूढ़ी लासे। तो बब्बल भाई ये हमारे पतंग बढ़ा रहे हैं, इनको कहा जा रहा है सोनू आगा बूढ़ी लासे लाए हैं। सोनू आगा कल और महंगी पतंगे लेके आएंगे, तो हम लोग देखेंगे और महंगी पतंगे कैसे कटते हैं। बहुत बढ़िया है, किसी अच्छे प्लेयर के हाथ में अगर पतंग हो तो बढ़िया पेज काटे। ये देखिए सोनू भाई एक और महंगी पतंग खींच रहे हैं, पेज से पहले ना चली जाए कहीं। ये देखिए काप दापने के लिए कहा था थोड़ी बाहर की तरफ से पतंग, और जैसी दाबी पतंग के कागज फट गया। बताइए 50-100 रुपए पतंग का कागज ऐसी फटा जा रहा है, सील गया बरसात में। हाँ तो अपनी कल महंगी वाली लाएंगे तो सोनू भाई देखेंगे। बब्बल भाई इधर आ गई। और ये देखिए हमने अपने हाथ से बना के दी है फैसल भाई को पतंग। ये देखिए बता रहे रॉकेट की तरह। और ये हैं अफसर भाई जो कि स्पीड क्लब में आलोक भाई के साथ लड़ाते हैं, शागिर्द हैं आलोक भाई के। बढ़िया ताकत से खींच के लड़ाते हैं, तीन पेज काट चुके। अब की बार चौथा पेज देखते हैं कैसे लड़ाएंगे। चलते हैं पेज पे। कोनी करा के अफसर ने जगह ले ली है और ऊपर से रोकने के लिए आए हैं शहजान। अब देखते हैं अफसर चौथा पेज काट पाएंगे कि नहीं। बहुत ताकत से खींच रहे हैं और शहजान भी ताकत से खींचते हैं, और सब बढ़ करके लड़ा रहे हैं। शहजान अपनी पतंग को धीरे धीरे अंदर की तरफ मुड्ढा रखा, शहजान की पतंग बाहर की लग रही, गद्दा मार रहे तो सीधी अंदर की तरफ आ रही। भागता अफसर ने खींचा लेकिन पतंग घूम के अंदर की तरफ शहजान की आई और अफसर ये पेज जल्दी। तो नीचे से अश्यू भाई दूसरे पेज के लिए जगह ले रहे हैं, एक पेज काट चुके हैं, बहुत ही भारी पतंग उड़ा रहे हैं। ऊपर से हमारे विकास दद्दा मुड्ढा रखते हुए देख रहे हैं भारी पतंग से अश्यू भाई कैसे लड़ाएंगे। भारी पतंग ऊंची करी अश्यू भाई ने, पतंग को चमका रहे हैं धीरे धीरे। विकास दद्दा ने गड़ौता मुड्ढा काफी दूर से बना लिया, रोका करीब करके अश्यू भाई ने भाग दब खींचा और तेज तेज झटके मारे। दद्दा रोके हुए लदे हुए थे अश्यू भाई पे और अश्यू भाई ये पेज कट गए। अरे अश्यू भाई, अरे अश्यू भाई उस्ताद की रील बांधे क्या? ये देखिए उस्ताद की रील बांधे अशु भाई और पेज कट गए। बहुत भारी पतंग उड़ा रहे थे हमारे अशु भाई, हद से ज्यादा भारी पतंग उड़ाए हुए थे ये, हद से ज्यादा भारी। ये हमारे फैसल भाई कुछ कह रहे हैं, हद से ज्यादा भारी पतंग उड़ाए थे अशु भाई, लेकिन भारी पतंग लड़ा नहीं पाए जिस तरह से लड़ाई जाती। ये आलोक भाई लड़ा रहे हैं स्पीड क्लब के कैप्टन। पेज हम आपको बता रहे हैं इनका रनअप देखते हैं। गड़ौता मुड्ढा इन्होंने बनाया, दूसरी टीम के मेंबर ने खाली करा लिया इनके गड़ौते हुए मुड्ढे को। बाहर की तरफ मुड्ढा बनाया, गड़ौता फिर से बनाया, ऊपर से लड़ा रहे हैं आलोक। कोनी करा के जगह ले रखी है दूसरी टीम के मेंबर ने, काफ़ी कम करके डोर फेंके वापस से खींचने शुरू करा। अंदर की तरफ खींचते जा रहे हैं, काफ़ी झोल है आलोक भाई की पतंग में लेकिन काट काट नहीं हुई। नीचे नीचे अपनी पतंग को लड़ाते हुए मून लाइट के मेंबर आलोक भाई। तो ये रही फैसल भाई कह रहे हैं कौन है चूड़ी पहन लड़ा रहा, पता खींचने की कोशिश कर रहे हैं आलोक भाई की। आलोक भाई अपनी पतंग को बचाते हुए काफी ऊंचा कर लिया, काट काट नहीं हुई, तो काफी मेहनत कर रहे हैं बार बार पीछे आगे। चलिए अब पेज दिखा देते हैं, जल्दी पेज नहीं हो पा रहा पेज। वो तौसीफ लड़ा रहे हैं काफी ऊंचा करके मुड्ढा दिया ऊपर से। ये है आलोक भाई की पतंग, जाने नहीं दे रहे इनसे। गड़ौता मुड्ढा आलोक ने बना लिया, उसी को ताकत से पहले गड़ौता मुड्ढा मारा लेकिन भाग तब तौसीफ ने खींच के आलोक भाई की पतंग काट दी। नीचे से मूनलाइट के मेंबर जगह लेते हुए तौसीफ लड़ा रहे हैं और ऊपर से बब्बल भाई मुड्ढा रखते हुए कोनी करा के तौसीफ ज़्यादा से ज़्यादा जगह ले रहे हैं। बीचों बीच में बब्बल भाई अपनी पतंग को रेंज कम थोड़ा करा रहे हैं और अंदर की तरफ टेढ़ा कराने की कोशिश, लेकिन हवा किसी से तौसीफ अपनी पतंग को ऊंचा करके रखे हुए हैं, बिल्कुल नीचे नहीं कर रहे हैं। देख सकते एक मुड्ढा खाली नहीं करा रहे हैं, ऊँचा करके ही लड़ा रहे हैं। और देखिए पहल करके खींचना शुरू कर दिया बब्बल भाई ने, अंदर की तरफ ताकत से खींचा और तौसीफ उसी को खींचते जा रहे हैं, लेकिन बब्बल भाई ने भी खींच के अपनी पतंग को बचाया। काफ़ी ऊँचा करके पेज हो रहा है आला, लेकिन तौसीफ नीचे नहीं कर रहे हैं पतंग को एकदम। कोनी करा के वापस से जगह ले रहे हैं तौसीफ और बब्बल भाई अपनी पतंग की रेंज निकाल रहे हैं, डोर लगाने की लग रहा कोशिश कर रहे हैं। कोनी करा के तौसीफ ने जगह लिया, उसके ताकत देखना शुरू कर दिया बब्बल भाई ने, रोका रोक के अंदर की तरफ ताकत से दिखाया तौसीफ जैसे रुके ये पेज कर रहे हैं। बढ़िया पेज काट दिया बब्बल भाई ने, बब्बल भाई ने थोड़ी सी डोर छोड़ी थी, जैसी डोर छोड़ी है देखिए पकड़ लिया आलोक भाई ने, कह रहे लूटी हुई ये पतंग नहीं देंगे। बढ़िया पेज काटा बब्बल भाई ने और देखिए सब खड़े हुए देख रहे हैं। बब्बल भाई कह रहे हैं जब पतंग पकड़ ली है ऊंची नहीं कर पा रहे पतंग हम साले बौना। और ये देखिए बब्बल भाई कह रहे जब पतंगी छीन ली तो चरखी भी ले लो, क्या करेंगे चरखी का ले। चरखी छीन ली आलोक भाई ने और बब्बल भाई पतंग, अब आलोक भाई लड़ाएंगे।
फलूक भाई नीचे से जगह ले रहे हैं बब्बल भाई की पतंग छीनने के बाद। अब देखते हैं कितने पेज काटेंगे। कोनी करा के जगह ले ली, ऊपर से मूनलाइट के मेंबर काफी बढ़ करके गड़ोता मुड्डा मारा, पतंग फिर से अंदर की तरफ आ रही है। बाहर की पतंग है अड्डा की तरफ दिखा के झटके मारे, लेकिन आपको टीन की आवाज सुनी होगी। आलोक भाई आके टीन में लड़ गए लेकिन पेज काट दिया। तो दो पेज हो गए इस पतंग से, लेकिन आलोक भाई का एक पेज हुआ है। तो आलोक भाई पतंग लड़ा रहे हैं, ये रहे आलोक भाई कुछ कह रहे हैं। तो आलोक भाई कह रहे हैं एक पतंग और बना दो। नहीं नहीं है, है। और ये जो सीट है जिसपे आदिल भाई खड़ा है, देख लगा के जब आदमी खींचते हुआ था तो उसमें लड़ जा रहा है, लेकिन कहीं काटा नहीं इसलिए चोट नहीं लग रही, वरना चोट लग जाती। कोनी करा के आलोक भाई दूसरे पेज के लिए जगह ले रहे हैं। ऊपर से राहुल लड़ा रहे हैं मूनलाइट के मेंबर, करीब करके रोका, रोक के बाहर की तरफ ताकत से कदम मारा, पतंग फिर से सीधी होती जा रही बाहर की पतंग, लेकिन अंदर की तरफ आलोक ने खींच के झटक के ये बढ़िया पेज काट दिया। दो पेज हो गए आलोक भाई के, पतंग बना नहीं पाए, थोड़ा सा बातें होने लग गई थी। तो हमारे जुबैर भाई कट रहे हैं, तो ये हमारे अलमाज भाई बता रहे हैं, ये जो पेज कटे 74वां पेज था, मतलब जितने दिन से पतंग लड़ रही है लगातार ये लड़ रही है, और 74वां पेज ये हमारे जुबैर भाई कटे हैं, और शायद पांच ही काटे हैं, बस पांच काटे हैं, पांच काटे हैं। तो ये अपडेट थी मौसम विभाग की। सोनवागा दूसरा पेज लड़ा रहे हैं, नीचे से जगह ले रहे हैं आपकी बार। ये राहुल होंगे, राहुल राहुल भाई और ये राहुल भाई होंगे। महंगी पतंग चिपक के कट गई। हां राहुल भाई थे। तो फैसल भाई लड़ाने जा रहे हैं, पतंगे बस खत्म हो गई है, एक दो पतंग और है, अफसर के हाथ में पतंगे, सब लोग बैठ गए हैं। जो आज का टॉप स्कोर रहा है वो मूनलाइट की ओर से भी 6 पेज का था, जो राहुल ने काटा था, जो कि शागिर्द हैं इदरीस उस्ताद के तरफ, और विकास क्लब की तरफ से फैसल भाई ने 6 पेज काटे। तो सब लोग पैकिंग करते हुए फैसल भाई अपना आखिरी पेज लड़ा रहे हैं, अजान हो गई तो अब और पेज नहीं लड़ाए जाएंगे। फ्रेंड्स ये पतंग देख सकते हैं, एक पतंग लगी है, लट्ठेदार है ये पतंग, कोई बच्चा उड़ा रहा है, और ये 6 पेज काट चुका है, 4 पेज लड़ा रहा है, कुछ करता नहीं है। और देखिए एक पतंग लाने के लिए इनसे आए, ये नीचे से जगह लेके, अगर इस बच्चे ने काट दिया तो उसके 7 पेज पूरे हो जाएंगे। देखिए टेढ़ा करा रहा है, पता नहीं कौन सी डोर बांधे हैं। देखिए दूसरे मेंबर जो आपकी कन्ने काटने की कोशिश कर रहे हैं, और देखिए दूसरे मेंबर नीचे जगह ले रहे हैं। तो देखते हैं आपकी बार कौन काटेगा, क्योंकि पेज नहीं कट रहा है, पता नहीं चल रहा कौन सी रील है, कितनी महंगी डोर है, क्या बांध के लड़ा रहा है, और छोटा सा लड़का है कोई, मासूम है। और देखते हैं क्या होता है इनके पेज में, आज कौन उठाएगा। और देखिए गद्दा रख दिया ऊपर से लट्ठेदार ने, पट पे खींचा दूसरे मेंबर ने, लेकिन काट काट नहीं हुई, और सब लोग बस यही वाली पेज देखने की छत पर रुके हैं। और देखिए लात किया, डोर फेंक दी, पेज आया फिर हट गया, देखने वाला है कौन काटेगा ये पेज। इस पेज के चक्कर में सब रुके हैं, कोनी करा के जगह ले रहे हैं, दोबारा से जगह ले रहे हैं, जो लगातार कट रहे थे ऊपर से गद्दा मार दिया ताकत से, और ये देखिए फिर से काट दिया 7 पे, सब ताली बजाने लग गए। अब हम आपको दिखाते हैं कौन लड़ा रहा था जो 6 पे लगा, और ये देखिए ये भाई हमारे लड़ा रहे हैं, ये 7 पेज कटे हैं, 7 पे लगातार कट गए ये भाई। चलिए कोई बात नहीं, कोई बच्चा था और डील बहुत अच्छी बना था, हम तो चल के देखते हैं उस साइड से कोई लड़का हो सकता है दिख जाए, और पतंग उसकी देखिए उड़ रही है, और देखिए हमारे साथ सब लोग सब देखने के लिए चल रहे हैं कौन है बच्चा। ये देखिए पतंगबाजी बंद हो गई थी, सब उसको देखने के लिए रुके हुए हैं, सारी भीड़ खड़ी है यहाँ छत पे विकास क्लब की, कि कौन बच्चा लड़ा रहा है जिसने 7 पेज काटे हैं। तो यहाँ से देखते हैं कोई बच्चा दिख जाए हम लोगों को। भाई आप लोग देखिए कोई बच्चा दिख रहा है कहीं पे, ये बुला ले मदर, ऊपर आओ मदर। देखिए सबने आवाज दे के बुला लिया है, और ये देखिए ये छोटा सा बच्चा है जो इतनी देर से पेज काट रहा था, 4 बजे से बहुत पेज काटे। इनसे पूछ ले भाई कौन सी रील बांधे थे, लोग रील के बारे में बहुत पूछते हैं। देखिए इस बच्चे ने पेज काटे हैं, कल से बता रहे हम भी आएंगे, तो बता रहे हम भी कल से लड़ाने। तो ये बच्चा लड़ा था, 7 पेज काटे। क्लब की भीड़ सब ने देख लिया कौन बच्चा लड़ा रहा था, अब सब उतर रहे हैं नीचे, बहुत बढ़िया पेज काटे, विकास क्लब से अच्छा पेज लड़ाया उस बच्चे ने।